मस्त भाई मस्त। आप एक बार हिमालयन में बैठ जाएंगे ना तो आपको खुद ही फील होगा कि बस चलते रहो। आओ मेरे देश के नौजवान शराबियों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपका दोस्त अंकुश और फिर से स्वागत है मेरे चैनल किंग ऑन व्हील्स पे। आज का जो वीडियो है, मुझे पता है बहुत एक महीना हो गया है लास्ट वीडियो डाले हुए मुझे, तो रेगुलर वीडियो डालूं आपके लिए आगे से। मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आ रहे थे हिमालयन के बारे में कि आफ्टर सर्विस हिमालयन क्या रिस्पॉन्स कर रही है, कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। कल मुझे काम था कुछ बाहर जाने के लिए इस लॉकडाउन में, तो मैंने सोचा हिमालयन लेके चलते हैं और आपके सवालों का भी जवाब देंगे, वीडियो भी बन जाएगा और आपके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा और बाहर देखते हैं लॉकडाउन में क्या क्या है। तो ये सब कुछ मैं ना बताते आपको वीडियो दिखाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो जी चल दिए, चलते हैं अब, थोड़ा सा देखें इतने दिन के बाद बाहर क्या हो रहा है। वाइजर कर लेते हैं बंद और शुरू करते हैं आपसे बात। बहुत दिन बाद हिमालय निकली बाहर, करीब करीब 2 महीने बाद। स्टार्ट तो मैं रेगुलरली कर रहा था कि बैटरी ना बैठ जाए, फिर भी मुझे लास्ट 10 दिन में 2 बार ऐसा हुआ कि इसकी बैटरी के लिए इसको धक्का लगाना पड़ा, मुझे स्टार्ट ही नहीं हुई है बाइक। पता नहीं ऐसा क्यों है भाई, नई बाइक है, ऐसा करना नहीं चाहिए, पर लास्ट 10 दिन में 2 बार ऐसा हुआ है कि धक्का लगा के इसको मैंने स्टार्ट करा। और गाड़ी हो या बाइक हो या कुछ कोई भी व्हीकल हो, एक बार स्टार्ट ज़रूर करें 2 से 3 दिन के बीच में। हिंदुस्तान के वीर जवान लाइन लगे हुए हैं, देखिए ये देखिए भैया जी रोड पे कैसे है भैया, इतना ट्रैफिक। इतना ट्रैफिक है, इतना रश रोड पे। हमारे आगे जा रहे हैं क्लासिक 350 लेके सुमित भाई, दिखा रहा हूँ वीडियो पे, वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं कितनी लाइन लगी हुई है। उत्तम नगर, ये है हमारा उत्तम नगर। देखो ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं तो इतने दिन बाहर निकला हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। जो मेरा सजेशन था दिल्ली के गवर्नमेंट को, इस कोरोना वायरस में हमें अभी लॉकडाउन नहीं ओपन करना चाहिए था, और मुझे लगता है कि 18 तारीख को मैक्सिमम चीज़ें खोल देंगे। मेट्रो चलाने की तैयारी कर ली है, बसेस रेडी कर ली है इन्होंने, अब पता नहीं क्या होगा आगे, और हम बाइकर्स लोगों को कब आज़ादी मिलेगी और कब हम निकलेंगे। अभी हिमालयन में बैठ के ऐसा लगता है कि चलते जाओ, चलते चलो, चलते चलो, पर अभी तो जो काम है वो निपटाएं और फटाफट से घर जाएं। ये देखिए जी, एक और वाइन शॉप आती हुई और रश लगा हुआ है, फुल फुल रश है हमारे देश की जनता शराब की लाइन में लग गई। कुछ नॉर्मल डेज से कुछ ट्रैफिक कम है, पर ट्रैफिक है, रेगुलर ट्रैफिक है काफ़ी। तो मैं बात कर रहा था हिमालयन की, मुझे जो कमेंट्स आए हैं उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि आफ्टर सर्विस कैसा रिस्पॉन्स है बाइक का। फर्स्ट थिंग मैं बताना चाहता हूँ कि बाइक में जो नॉइस आ रही थी 800 RPM के ऊपर, वो मुझे
एक्चुअली अभी थोड़ा बाइक ज़्यादा चली नहीं है, थोड़ी इंजन थोड़ा सा गर्म हो तो एग्जैक्ट पता लगेगा, बस बाकी मुझे इतनी नॉइस आ नहीं रही है इसमें। उस डिपार्टमेंट में तो मुझे लगता है ठीक ठाक काम करा है। छोटी मोटी प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई थी पहली सर्विस में। मैंने स्टार्ट करी थी बाइक और मैंने कल धक्का मारा है इस पर और आज मॉर्निंग में भी स्टार्ट करी है, इसीलिए अब तो मुझे लगता है डेली इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये लॉकडाउन थोड़ा ओपन होगा तो मैं चेक करवाऊँगा क्या प्रॉब्लम है। बाकी बाइक में जब तक मैं एक लॉन्ग ड्राइव 1.5 से 2,000 किलोमीटर की ड्राइव नहीं करके आऊँगा जब तक मैं इसका रिव्यू नहीं दूँगा एग्जैक्टली। कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मैं क्लासिक 350 लेने गया था और मैंने हिमालयन क्यों ली है, तो मैं आपका रीज़न और ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज इतने भी दिनों बाद बाहर निकल के लग तो बहुत बढ़िया रहा है भैया, रोड पे तो रश बहुत है, कैसे इतने टाइम बाद मैं बाहर निकला हूँ और ये सब देख के अजीब सा लग रहा है। जबकि दिल्ली रेड जोन में है, डेली 400 से 500 केस डेली आ रहे हैं दिल्ली में, तो डेली ऑन रेड जोन। बट फिर भी यहाँ देखिए बैरियर लगे हैं पर कोई पुलिस वाला नहीं है। मैं पेट्रोल पम्प तक जा रहा हूँ, लेते हैं हिमालयन का मज़ा, मस्त भाई मस्त। आप एक बार हिमालयन में बैठ जाएंगे ना तो आपको खुद ही फील होगा कि बस चलते रहो। नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखना, उसमें प्रॉपर कुछ प्लस पॉइंट्स मैं बताऊंगा हिमालयन के क्या हैं और मैंने हिमालयन क्यों ली है ओवर क्लासिक 350। और मुझे ये सजेशन देने वाले एक अच्छे बाइकर हैं, मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया ये बाइक को। अब यहाँ डलवाएंगे पेट्रोल, अब डल चुका है पेट्रोल और हम चलेंगे फ्रूट मार्केट, पर हेलमेट पहन के ही परचेजिंग करेंगे भैया। मेरे देश के नौजवान शराबियों, यहाँ लगाएं बाइक और लेते हैं थोड़ा सा फ्रूट। घर के काम जरूरी हैं, क्या हो गया भाई, कैसे दिया हम 60 रुपए दे दो यार, 2 किलो देना। घर के काम नहीं करेंगे तो बीवी निकाल देगी घर से, करने जरूरी है और इस माने थोड़ा सा बाहर भी घूम लिए, ऐसे घूमना नहीं चाहिए। ले आओ भैया मनी मनी, सुमित भाई ने लगाया नहीं है हेलमेट, प्लीज हेलमेट वेयर करके ही चलें घर से। खराब ही शराब, खराब ही खराब, सच में शराब है बहुत ख़राब। आप लोग जानेंगे, आपको वीडियो देख के पता लग ही गया है कि हमारे लॉकडाउन में हमारी सिटीज़ का क्या हाल है। ये दिल्ली की तस्वीरें थी, दिल्ली के वीडियोस था और बाकी सिटीज़ में आपको इसी से आइडिया लग गया होगा कैसा हाल होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी हमें लॉकडाउन में कुछ छूट देनी चाहिए। हाँ, हर एक को काम की ज़रूरत है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इस चीज़ से बाहर कैसे निकले ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है और
जैसा शॉर्ट सेंटर गवर्नमेंट हमारे लिए रिलीफ पैकेज लाए हैं सबको पता ही है। इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, आप सब जानते ही हैं। वो प्लीज़ बाहर ना निकलें, कोशिश करें अभी घर में ही रहें। जिस हिसाब से ये केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमें तो घर पर रहना चाहिए अभी फिलहाल के लिए। बात करते हैं सेकंड थिंग हिमालयन की, हिमालयन बेसिक्स की। जो मुझे सर्विसिंग के बाद जो मैंने आपको बताया है कि मैं मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल, ज़्यादा बाइक चली भी नहीं है क्योंकि लॉन्ग ट्रिप के लिए एक प्लान बना हुआ था, तो ये कोरोना और ये लॉकडाउन की वजह से हमारा कैंसिल हो गया है। ऐसा नहीं है कि खाली लॉकडाउन हट जाएगा तो हम ट्रिप प्लान करेंगे, थोड़ा टाइम रुकेंगे, देखेंगे। कोरोना से केसेस कम नहीं हो जाते या थोड़ा सा अच्छा नहीं हो जाता माहौल तब तक हम प्लान नहीं करेंगे। वैसे तो प्लान बना हुआ है और जो भी हमारा ट्रिप का प्लान होगा वो मैं अपडेट करता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, तो मुझे फॉलो करिए अब इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें बताऊँगा कि मैंने हिमालयन की परचेस करी है ओवर क्लासिक 350 VS 6। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। होप आपको भी, अगर आप कोई परचेज़ करना चाहते हैं, वैसे तो कंपैरिजन नहीं है दोनों बाइक्स में, दोनों बाइक्स अलग अलग कैटेगरी के हैं। कई लोग मेरे जैसे बाइकर हैं, कई लोग एक ही एडवेंचर बाइक ही समझते हैं दोनों को, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊँगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और मैंने क्यों चूज़ करी है हिमालयन VS6। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। जब तक के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, देखते रहिए चैनल मेरा किंग ऑन व्हील्स। तब तक के लिए बाय 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 बाय।